हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आपकी का फेवरेट चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए ऐसा एक स्टॉक लेके आया हूं जो कि कल के लिए आपको ये ज़बरदस्त पैसा कमा के दे सकता है। फ्रेंड्स, इसको कल आपका वॉच लिस्ट में रखिए। और आपको अगर ट्रेडिंग नहीं करना चलेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसका कितना इफेक्ट आ रहा है आप कल इसको देखेंगे, और मैं आप लोग को अपडेट करूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा, ये नाटको का फार्मास्यूटिकल कंपनी है और टुमारो ये शेयर में क्या भयंकर गिरावट आएगा, इसको नज़र क्या रखना है इसका ऊपर। तो फ्रेंड, आगे चल के मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा आप लोग को, अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल वाला घंटी आइकन है उसको ऑन करके रखिए, जैसे कि आपको मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर और भी एक बात करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग करना चाहते हो, जाके ज्वाइनिंग कीजिए। मेरा टेलीग्राम का नाम है इधर स्मार्ट शरद टेक, फ्रेंड देख सकते हो। अगर आप लोग को मेरे साथ में जीरोदा में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो जाके जीरोदा में ये लिंक थ्रू अगर आप ओपन करेंगे, तो मेरे तरफ से आपको काफ़ी सारा एट्रैक्टिव कॉल्स मिलेगा, इंट्राडे कॉल्स, और आपको जीरोदा में इंट्राडे का कॉल मिलेगा। कॉल कैसे सिलेक्शन करना वो बोलूँगा, और आपको भी एक फ्री में मैं दूंगा पोर्टफोलियो, आपका रिव्यू करूँगा और आपको फंडामेंटल स्टॉक क्या है वो भी आपको बताता रहूँगा। और चलते फ्रेंड्स, आज का एक बार नज़र डालेंगे। आज को मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ऑलरेडी बोल चुका था मेरा यूट्यूब चैनल में, सॉरी टेलीग्राम चैनल में। आज का देखिए फ्रेंड्स, आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। आज मैंने दिया था SBI का बाइंग और सेलिंग वाला कॉल, इसमें देखेंगे आप 3 पॉइंट तो आपको मिला ही है। और इसके बाद हेक का कॉल दिया था मैंने, देखिए फ्रेंड्स, मैं 9:06 में दिया था। ऑलरेडी मैंने बोल दिया था हेक जैसे शुरू होगा, जब भी ओपन होगा तो एट द टाइम सेल करना है। तो ओपन हुआ था 1041 पे और लो मारा है, आप देख सकते हो 1011 तक 30 पॉइंट का गेन लेता। अगर आप लोग ओनली अगर 100 पॉइंट अगर 100 क्वांटिटी लिए होगा, तो 3000 रुपया तो किधर का नहीं गया होगा आपका। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वीडियो और मेरा टेलीग्राम चैनल, इसमें अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो जाके फ्री में ज्वाइनिंग हो सकता है। आपका टेलीग्राम चैनल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद स्मार्ट शरद टेक लिखोगे तो मेरा ये लिंक आपको मिल जाएगा और आप उसमें क्लिक करके ज्वाइनिंग हो सकते हो। और मेरा देखिए कल का जो यस्टरडे का जो वीडियो था, इन्फोसिस का मैं वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जो दिया था टारगेट, वो टारगेट मैं सब इधर अचीव किया है, आप जाके देख सकते हो वीडियो ओपन करके। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा अपडेट, छोटा सा अपडेट आपको मैंने दिया। और चलते हम लोग डायरेक्टली वो शेयर के ऊपर, वो शेयर में क्या है, क्या क्यों गिरेगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करते। चलिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे NSEIndia.com में आ गया, और उसमें आज का डेट का जो 12 फरवरी का वो डेट है, और इधर कंपनी देख सकते हो नाटको फार्मा लिमिटेड। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, इसमें शो हो रहा है 713.13 रुपीस और 2.45 पैसे का गिरावट के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे फ्रेंड, 715.45 रुपया और ओपनिंग हुआ था 711 रुपया में। उसके बाद हाई भी मारा था, 717 रुपया का हाई भी मारा था, लो 690 रुपीज़ का भी लो आज मार दिया था। आज का जो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी देखेंगे फ्रेंड्स, आप चौक जाओगे, जैसे कि 2,02,000 शेयर में ट्रेडिंग हुआ है, उसमें से 94,000 क्वांटिटी डिलीवरी में गया। परसेंटेज जब डिलीवरी देखेंगे तो 47% का आसपास का आज डिलीवरी है। तो ये तो बोलेंगे आप, ये सब तो बराबर, और कॉल क्यों इससे गिरेगा उसका रिलेटेड भी बात करूंगा। एक बार हम लोग 52 के हाई और लो देख लेते हैं। 52 के हाई जो है 738, जो कि ऑलमोस्ट हाई का आसपास चल रहा है शेयर, और 10 फरवरी को मारा था, जो कि बहुत नज़दीक में कॉल परसों मारा ये लो 52 के हाई मारा था। और उसका लो देखेंगे तो 28 मई 2019, जो कि 480 का लो था। तो फ्रेंड्स, इस शेयर में कंपनी का इन्फॉर्मेशन में जाके एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते, प्रमोटर होल्डिंग कितना परसेंट है। प्रमोटर होल्डिंग है बहुत अच्छा खासा है, 50% का आसपास है, और कोई भी क्वांटिटी इनका गिरवी नहीं रखा है, इधर की सी कॉलम पे शो होता है। तो फ्रेंड, अभी ये सब तो अच्छा ही है, तो फिर ये शेयर गिरेगा क्यों, और कल के लिए आपको क्यों नज़र रखना है, इसके लिए फ्रेंड्स आपको
मैं न्यूज ओपन करके दिखाता हूँ जो कि मनी कंट्रोल का ये साइट, सॉरी ये इकोनॉमिक टाइम का न्यूज है। तो इकोनॉमिक टाइम को सब क्रेडिट हम देते हैं क्योंकि उनका न्यूज हम लोग ई पेपर हम पढ़ते हैं। तो देखेंगे ये जो है क्यों गिरेगा ना, क्वार्टर थ्री रिजल्ट आ गया, जैसे कि अब रिजल्ट का सिलसिला चालू है हर कंपनी का। इसके नैटको फार्मा का क्वार्टर थ्री रिजल्ट आ गया है, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है 34 पॉइंट। तो फ्रेंड 104 करोड़ रुपीज़ का इनका घाटा हुआ है इस क्वार्टर थ्री में। तो इसके वजह से आप लोगों को मैं डिटेल्स बात करूँगा आगे चल के, और अब देखते क्या और कल के लिए क्या टारगेट लेंगे वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंसोलिडेटेड टोटल इनकम स्टूड 513 करोड़ फॉर द क्वार्टर अंडर द कंसोलिडेशन। तो फ्रेंड्स इधर देखेंगे नैटको फार्मा ऑन वेडनेसडे रिपोर्ट 34.46% ड्रॉप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 104.4 करोड़ फॉर द क्वार्टर। ये क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है उसका 104.4 करोड़। तो इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर जो दिसंबर 19 है उसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 18 से कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स उसमें देखिए दिसंबर 18 में दिया था 159.3 करोड़ रुपीज़। तो कितना बड़ा गिरावट, 34% का गिरावट दिखा दिया कंपनी ने। तो देखेंगे और कंसोलिडेटेड स्टूड 513 उसको क्वार्टर अंडर कंसोलिडेशन ऑफ द 500। हाँ इधर नेट इनकम की बात कर रहे, इधर देखिए इनकम क्या है, स्टूड द इनकम टोटल इनकम था 513 करोड़ रुपीज़ क्वार्टर अंडर द कंसोलिडेशन, इट इज द 580 करोड़ रुपीज़ से प्रीवियस ईयर के साथ ये ईयर कंपेयर करेंगे तो इसमें भी गिरावट दिखाई दे रहा है। द कंपनी कंटिन्यू द फेस मार्जिन ऑफ द प्रेशर पोर्टफोलियो फाइलिंग द सेड। ओके कंपनी हैज द रिकमेंडेशन। हाँ और एक चीज़ है, कंपनी ने आज का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दिया है, रिजल्ट तो बेहद ख़राब है उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। और इसके साथ साथ वो कंपनी ने डिविडेंड भी अलाउंस किया है, डिविडेंड देने का वो कितना दे रहा है ना 3.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर प्लस फेस वैल्यू 2 रुपीज़ ईच। ओके तो फ्रेंड्स ये था, और शेयर अभी किसने में चल रहा है 712 रुपया में चल रहा है करके इधर मेंशन किया है कि जो से इधर हम लोग एनएससी में देख रहे 713 रुपीज़। तो अब ओवरऑल देखेंगे फ्रेंड्स, मैं बोलूँगा कल ये शेयर में ज़ोरदार पिटाई का चांसेस है, इसमें नो डाउट फ्रेंड्स इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा कल। तो इसीलिए आप लोग को कल के लिए कैसा काम करना है उसके रिलेटेड मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स कल जैसे मार्केट ओपन होते ही हम लोग क्या करना चाहिए, उसमें सेल पोजीशन लेना है, सेल पोजीशन लेके रखना है। और ये शेयर मैं तो बोल रहा हूँ कल तो गैप डाउन ओपनिंग होगा, और गैप डाउन ओपनिंग कितने में होगा, मेरे ख्याल से 700 का आसपास ये ओपनिंग होगा। ओके 700 का ओपनिंग होगा तो हम लोग तभी सेल करेंगे और टारगेट लेके चलेंगे 680 रुपीज़ के आसपास। अगर ये ब्रेक करता है फ्रेंड मैं बोलूँगा और बड़ा गिरावट भी आ सकता है, 670 तक भी आ सकता है ये शेयर कल का दिन में। आप मान के चलिए फ्रेंड अप्रोक्सीमेटली 25 पॉइंट आपको कल गेन मिल सकता है सेलिंग साइड में। तो फ्रेंड्स इसको नज़र आपका वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। अगर आप लोग से ये सेलिंग करके पैसा कमाने का अगर आइडिया है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसको खाली वॉच करके छोड़ दीजिएगा। ओवरऑल देखेंगे कंपनी अच्छा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जैसे आया है उस कंपनी का वो हिसाब से कल का दिन के लिए गिरावट दिखाई देता है, क्योंकि अब देखेंगे इसमें डिलीवरी तो अच्छा खासा गया है और कल भी डिलीवरी जा सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं। लेकिन इंट्राडे बेसिस में आपको 25 पॉइंट तो मिलना ही तय है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो जाके जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जैसे कि उन लोग को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।